और गाइस टाइम 3:28 हो रहा है और नींद मुझे बिल्कुल भी नहीं आ रही। नींद नहीं आ रही, काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुके हैं। सो मैंने सोचा कि चलो कैमरा उठा के कुछ भी शूट करते हैं, बोर ही हो रहा था। सो यार पापा क्या नींद नहीं आ रही। करूँ फिर मैं, क्या अरे एक करूँ फिर, आइडिया है, अरे एक क्या आइडिया है, मानोगे आप? कैसे बताऊँ क्या? नीचे जाके वॉक करे। इस टाइम कितने हाँ बज गए? 3:15 यार, बज चुके हैं भाई, क्या करेगा? अरे कुछ समझ में भी तो नहीं आ रहा ना यार, क्या करूँ, नींद ही नहीं आ रही। मैं 1-2 घंटे से लगातार ट्राई कर रहा हूँ सोने की और मेरे को नींद तक नहीं आ रही। चलो ना पापा प्लीज। अरे यार ठीक ये तो चलते वैसे हैं फिर। भी रात के राजे हैं, आधी आधी रात तक तो ये जागे होते हैं और अभी फोन देख के वही स्क्रीन देख रहे हैं। और वैसे भी अब लॉकडाउन है तो किसी को कुछ काम नहीं है ले ना। लें हम तो वैसे। चलो चले, चलो फिर चलते हैं। चलो मॉम मॉम से भी पूछ लेते हैं एक हाँ बार, चलो पूछ लो मॉम मॉम से। अभी बाहर हैं तो चलो उनसे भी पूछ लेते हैं। फाइनली मॉम, हाय मॉम। हाय मॉम, ब्लॉग ये क्या कर रहा है? शूट। हाँ हाँ है इस टाइम क्या हो गया भाई तेरे को? मॉम, आप आपको एक चीज़ कहनी थी। हाँ बोल। हम नीचे जाके वॉक करें थोड़ी सी। वॉक? हाय मम्मी, ये तो तूने मेरे मुंह की बात छीन ली, पता क्यों? हाँ सुनो, क्यों कोई एमसीबी दा केड़ा जड़ा तुसी बटन केड़ा बोल रहे, व्हाटएवर जो हुंदा एमसीबी। एमसी स्विच? हाँ हाँ थोड़ी वो कुछ हो गया वापस, उन्होंने ठीक करना पड़ेगा। वॉशरूम क्या? की लाइट नहीं चल रही है, बड़े अच्छा मुश्किल हो जाएगा यार, पूरी रात बड़ी मुश्किल हो जाएगी। हाँ चलो कराते हैं, वो भी कराते हैं ये ब्रंच, सही क्योंकि है। मेरे को तो हाँ बिल्कुल नींद नहीं आ रही है। चलो 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 चलो, पहले अपनी लाइट का काम करके आओ। यार कितनी ज्यादा शांति हुई पड़ी है, इतना ड्रामा सा है। सारे लॉक्स खोल के बंद ना नहीं अभी, इतना ड्रामा लग रहा था ये पूरा एरिया भाई। रात को 3 बजे तो इतने 3:30 बजे ड्रामा ही लगेगा। अरे पहले वो एमसीबी का कर दो, हो रहा है। हाँ वो कर दो पहले। एमसीबी कौन सा डाउन? लाइट के ये बिना वाला ना जिंदगी बेकार हो जाती है। ऐसे चलो ओ लेट्स गो। वैसे तो लॉकडाउन में वैसे भी सड़कें खाली होती है, बट अभी आप एक बार देखो। पहले तो पूरा एकदम स्ट्रिक्ट होता था, मतलब जो भी बाहर निकलता था डंडे मारते थे। डंडे मारते सड़क पड़े तो डंडे नहीं, बहुत ज्यादा सब्जी लेने जा रहे हैं और उसको डंडे पड़ जाते हैं और ऐसे ऐसे करके। पर आज वेदर सही क्या है मॉम? सही एक बार बताना, सही क्या है मॉम इसमें? सही क्या यार, आप ये झूठ तोड़ोगे डंडे का बंद यार कोई अगर कोई बोल रहे हैं कि घर पे रहो, ठीक है कोरोना फैल रहा है, अब आप बाहर निकल रहे घूमने के लिए तो डंडे तो पड़ेंगे, तो फिर ठीक ही तो है। और क्या यार गाइस, आप भी घर में रहो, स्टे सेफ एट योर होम्स। हाँ बिल्कुल, जैसे कुरान शेर 3:30 बजे नीचे अपने कॉल करा, बट ना सेम ऐसे लाइक रहो। इट्स आर होम, ये हमारा घर ही है। बट अगर कोई मतलब कोई बंदा देख भी रहा हो वो सोच लेंगे है ये क्या टॉर्च चला के बंदे क्या कर रहे हैं इतनी आधी रात को। महान इंसान बिना एम्बुलेंस बहुत जाती है सारा दिन, एम्बुलेंस मतलब सारी है आफ्टर एवरी मिनट, और मिनट नहीं आफ्टर एवरी 2 मिनट। दो दो एम्बुलेंस इकट्ठी आ रही है, दो दो हैं यार अवर काउंटेड एक्चुअली, बट यस बहुत ज्यादा, आफ्टर एवरी 1 or 2 मिनट यू नो गेट टू सी दिस, बहुत ज्यादा बहुत बुरा हाल है। हाल है यार। बहुत देर हो गई यार, चलते हैं अब। अभी क्यों? अभी नहीं क्यों?
क्यों ये बहुत देर हो गई गुरु, चलते हैं। नहीं ऐसा भी हम टाइम की टाइम कब आएगा, हम ऐसे ही आधी रात को फिर वही ऊपर जाके चाय और परांठे चाय परांठे वही सब वापस ना, ज्यादा सियाना ना मैं चाय और परांठे पहुंचे लाके यार, मतलब तू चाय परांठे के चक्कर में है, खानी है मार भूख लगती है इनका नाच गाना यहाँ पे भी शुरू हो गया आधी रात को। अरे सोचो बंदों को जब आ दिया आधी रात को, सब सोच रहे होंगे इतनी रात को गाने कौन चला रहा है, परफॉर्मेंस देखने वालों की भीड़ है, सारी लेबर आ जानी इकट्ठी हो गई। सरदार जी नाच रहे हैं भाई साहब, कहीं पर भी शुरू हो जाते हैं यार, कहीं पर भी, कहीं पर भी। रात की इज अ अनस्टॉपेबल पर्सन, कुछ भी मतलब कुछ भी, एंट्री ऐसे कैसे जैसे जोर से जंप करके सारे नाच रहे हैं ना, उछल के एकदम आएंगे और शुरू हो जाएंगे चटने में केयर कर लिया यार यार तुम्हें मेरी मन की बात कर दी भाई, तुम दोनों ने मेरे मन की बात बिल्कुल नहीं की, गलत बात है। मेरे बच्चे के लिए नहीं, मेरे लिए अभी नहीं, कुछ नहीं नहीं ओके चलो फिर चले ऊपर, हो रहे हैं रात के 4:30 और यहाँ पे हम 3 आउल्स यहाँ पे बैठ के पार्टी कर रहे हैं। तू होएगा आउल के बिना तो मॉम पापा को भी साथ में। अरे यार हम तीनों उठे हुए हैं, तो आउल भी है और यहाँ पे बन रही है परांठी और चाय। लेट्स गो। और फिर मेरे से प्लीज निकी जी बनाई रोटी, छोटी जी रोटी। और रेडियस कितना और मेरे लिए वड्डी जी रोटी। मेरे बच्चे ने पंजाबी बोली है, कितना प्यारा लग रहा है, पूरी लाइन से फटाफट यही वाली बात पूरी पंजाबी में बोल मैं तो। माता जी मेरे लिए एक वड्डी जी परोंठी बना दो, बहुत अच्छा बेटा, बस ये माता जी ठीक नहीं था। मम्मी जी किसी दिन ना ऐसा चैलेंज करेंगे तो पूरा दिन पंजाबी बोलिए, ठीक है यार, या बड़ा मजा आएगा इसी बहाने गुरु की पंजाबी सुनने को मिलेगी, वैसे तो ये बच्चा बत्ता नहीं पंजाबी नहीं बोलता। नहीं मैं भी मुझे लग रहा है जैसे थोड़ी थोड़ी तेरे को आनी शुरू हो गई है, देख जरा देखी तेरी आंखों देखू मैं, आई मम्मा कितनी प्यारी आई है मेरे बच्चे की, ज़्यादा थोड़ी रोटी की स्पीड पकड़ बेटा, जैसे पीएस और वो उसकी स्पीड पकड़ता है ना वैसे, इसको जरा जल्दी जल्दी खाओ। चलो पापा आपको साथ, तो मज़ा आ गया आधी रात को परांठे खा के और नीचे वॉक करके। सो हाँ, आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर दो और बेल आइकन को दबा दो नोटिफिकेशन के लिए, और आज के बस इतना ही, बाय बाय।